जालौन में पूरे प्रदेश से अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान एवं पदाधिकारी के बीच एक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान ने बताया कि सरकार जो किसानों के खातों में फसलों की पेमेंट करने की बात कह रही है, उससे मंडी के आढ़तियों में रोष है और सरकार से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से मंडियों का कार्य खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आने वाली 8 अप्रैल के बाद वह मंडियों में किसानों की फसल नहीं खरीदेंगे और ना ही तोलाई करेंगे, सिर्फ मंडी में फसल उतरवाई जाएगी। सरकार द्वारा जो नए नियम कानून लाए गए हैं उससे मंडियां समाप्त होने के कागार पर है। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदेश के आढ़तियों के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग भी होनी है। अगर इस मीटिंग में सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाली 8 अप्रैल को आढ़ती एसोसिएशन संघर्ष का रास्ता अपनाते हुए मंडियों को बंद करने का कार्य भी करेंगे। इस अवसर पर पूरे प्रदेश से आढ़ती एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी, सदस्य व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछले 6 साल से सरकार के साथ कुछ बातों को लेके काफी मतभेद रहे, परंतु लगभग 8-6 महीने में CM साहब ने और सरकार ने मिलकर उनका सलूशन किया। परंतु अब की बार जो बातें पिछले 6 महीने से चल रही हैं पैडी सीजन से लेकर अब तक, हमारी बहुत सी डिमांड ऐसी हैं कि पैडी सीजन की गेहूं की पेमेंट अब तक प्रॉपर तरीके से नहीं आई। बहुत से आढ़तियों की, बहुत से किसानों की पेमेंट अभी बकाया है, 830 किसानों की पेमेंट अभी बकाया है। हमारे आढ़तियों की पेमेंट जो सरकार ने देनी थी धान की, वो भी पूरी तरह से अभी तक नहीं आई। तीसरा, जो लेबर हमने लोडिंग की और भराई की सरकार से लेनी है, वो भी आज तक पूरी नहीं आई। इस तरह से आढ़तियों के मन के अंदर एक चीज़ घर कर गई है कि ये सरकार हमारे कारोबार को बंद करना चाहती है, और ये चाह रहे हैं सभी लोग भी इतना तंग कर दो इनको ताकि ये अपने आप ही छोड़ के चले जाएं। इन सब बातों को लेकर पिछले 2 महीने में सरकार के बड़े अफसरों के साथ हमारी 3 मीटिंग हुई। तीनों में मुद्दा यही था जो मैंने अभी आपको बताया, परंतु कोई भी प्रोग्रेस किसी काम में नहीं हुई। आज मजबूरन हमें यहाँ पूरे प्रदेश के प्रधानों की, सभी मंडियों के प्रधानों की व स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग को आज यहाँ बुलाना पड़ा, जिसके अंदर हमने डिसीजन लिया है कि अगर सरकार ने आने वाले 2 दिन के अंदर हमारी सभी डिमांडों को नहीं माना तो हम 8 तारीख दिन वीरवार से गेहूं का तोल नहीं करेंगे। माल उतरवाएंगे, फार्मर का माल उतरवाएंगे। चलो बस सारा, हाँ जी, पॉइंट्स बता दीजिए, मांगे कौन कौन सी? मांगे तो ये है, हाँ, जो डिस्कस करते हैं पिछली पैडी सीजन से को लेकर जो हमारी पेमेंट, चाहे वो पैडी की है और चाहे वो लेबर की है, वो हमारी पूरी तरह से दे दी जाए। एक जो है ना, सरकार ने हमारे से ब्याज काटा था भाई, आपने किसान को लेट पेमेंट दी, वो किसान का ब्याज उन्होंने वादा किया था हमारे को भी ये आपको आढ़ती को दे देंगे। अगर कोई किसान ब्याज की डिमांड करता है भी मेरे को लेट दिया था, तो उसका जिम्मेवार आढ़ती होगा। हमने उसको लिखित में दे दिया सरकार को भी हम जिम्मेवार हैं। वो ब्याज भी हमारे खातों के अंदर आज तक नहीं आया। फिर जो है, एक हमारी पिछले 6 साल से जो मेन डिमांड थी भी, हम जो है जो डायरेक्ट पेमेंट है किसान के खाते में, ये हमें कबूल नहीं है। परंतु पीछे हमने सरकार से, हमारा एक आपस में एग्रीमेंट हो गया था कि हम जब मेरी फसल मेरे ब्यूरो पे हम किसान की रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी फसल की, उस टाइम एक ऑप्शन डाल देंगे लास्ट के अंदर, जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्या आप पेमेंट डायरेक्ट चाहते हैं या आढ़ती के थ्रू। हमने यस कर दिया था। अब जिन किसानों ने आढ़ती के थ्रू पेमेंट लेने के लिए पोर्टल के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है, उसको भी ना मान के सरकार चाहती है हम सारी पेमेंट किसान के खाते में जाए, जो हमें बिल्कुल मान्य नहीं है।
इन सब बातों को लेके क्वालिटी को लेकर है, मार्के का है, जैसे एक जो है ना कट्टा होता है ना जो बैग होता है उस पर मार्का लगता है। वैसे तो ज्यादातर पीपी बैग हैं, वो हमने किसान को नॉलेज में दे दिया, अभी पीपी बैग पे मार्का ही नहीं लग सकता। परंतु सरकार अगर किसी तरह से नमी को लेके है, दूसरा है, वो कह रहे जी वो पुरानी पॉलिसी रहेगी, अब रहेगी नहीं रहेगी वो आमनी सामने बैठ के पता लगेगा ना जी। अब तक रिटर्न के अंदर हमारे पास कुछ नहीं आया। इन सारी बातों को लेके अगर सरकार हमारे से आज जो है शाम को 6 बजे सीएम साहब ने हमें बुलाया है, वे आप आ जाओ, आपके सारी चर्चा करेंगे, और सरकार ने सभी बातों को हमारी ध्यानपूर्वक सुन लिया तो मान लिया तो ठीक है, नहीं हम 8 तारीख से जो है गेहूँ का काम नहीं करेंगे। क्वालिटी और वेट हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब वो तो ये है ना जी, सरकार तो अपना तरीका अपनाएगी भी हम अपने काम को कैसे कर सकें, और हमें भी इसलिए के लिए तैयार रहना चाहिए, अगर हम स्ट्राइक करते हैं सरकार अपने संसाधनों से माल तोलती है तो तोल ले। देखो बातचीत तो उम्मीद के साथ ही जाया जाता है आदमी को, और उम्मीद करेंगे भी सरकार जो है हम कोई नजायज डिमांड नहीं मानेंगे मांगेंगे। कितने लोगों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा? 10 से 15 आदमी चंडीगढ़ में। हाँ जी आज क्या डिसीजन लिया? हाँ जी अब क्या डिसीजन लिया आपने? वही तो लिया ना जी, अगर हमारी सभी बातों को सरकार ने नहीं माना तो 8 तारीख से हम गेहूँ का काम नहीं करेंगे, सरकार के साथ हम नहीं चलेंगे। मतलब मंडी बंद रखेंगे? बंद ही है, ऐसा है उनका माल उतारेंगे, उनका उनकी ट्रालियां खाली करेंगे, हम बराई नहीं करेंगे। हाँ जी हाँ, जो जो सरकार जिनकी खरीद बाकी अगर दूसरी फसलें आ रही हैं वो वैसे तुलती रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।